तो दोस्तों हम इस वक्त कारगिल से लेह की तरफ जा रहे हैं एंड हम अभी लेह से लगभग सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं और हमने देखा कि ये एक रोड के कॉर्नर पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की 87 फीट ऊंची मूर्ति है और इस जगह का नाम है थेगचोक लिंग ने विलेज, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी हम इस मोड़ पर एंट्री करने वाले हैं एंड ये हमारे भाई साहब निखिलेश अभी ड्राइव करेंगे एंड मैं पीछे बैठूंगा। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ का रास्ता थोड़ा डैमेज है, ने विलेज जहाँ हम जा रहे हैं थेगचोक लिंग में। ओके, थोड़े झटके लग रहे हैं बट थोड़ा अच्छा लग रहा है रास्ता। दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। ऐसा लग रहा है कि किसी खूबसूरत से गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स दे रखे हैं जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए। अब यह जो रोड है यह बसगो पैलेस की तरफ भी जाता है, तो हम पहले बसगो पैलेस जा रहे हैं, उसके बाद हम ने विलेज जाएंगे जहां पर 87 फीट ऊंची जो है भगवान बुद्ध की स्टैचू है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। यह जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं वहाँ से राजा के सैनिक इस महल की सीमा की देखरेख किया करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैलेस की तरफ। वैसे यहाँ चलने में काफी ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने जमाने में आ चुका हूं जब राजा हुआ करते थे। ओके, सेरजांग छांभा टेंपल वे दिस साइड एंड मैत्रेय बुद्धा दिस वे। पहले इधर चलें, इधर चलते हैं। देखिए ये रास्ता कैसा है, कुछ ऐसे रास्ते से हम चल के जा रहे हैं। ओके, दिखाते हैं आपको, कुछ ऐसा है एंड हमें भी इधर जाना है। वाव, सी द ब्यूटी। दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर, एंट्री टिकट इधर है। ये वे टू मैत्रेय बुद्धास टेम्पल, लेट्स गो हियर।
ये बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्री है, थोड़ा यूनिकनेस में है बनी हुई। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। वाओ वाओ, देखिए। इस जगह से भी राजा के सैनिक सीमा की देखरेख किया करते थे। सो लेट्स मूव दैट वे। चलो ओके। सो यहाँ तो ये है फ्लैग एज यूजुअल, एंड टेंपल ये है, वो शायद बिजी है, शायद यही टेंपल है। लेट्स सी हियर, ये टेंपल है शायद। ये एक टेंपल हमें यहाँ दिख रहा है बना हुआ, जो कि इस वक्त शायद बंद है। हमेशा की तरह हमें बंद ही चीज़ें मिलती है। अब हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। लेट्स सी हमें क्या नसीब होता है अभी। ओके, इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, इधर आ गया है। यहाँ पर एंट्री टिकट का बोर्ड लगा है, बट इट इज़ ऑल क्लोज्ड आई गेस। सब कुछ बंद है यार, ऐसा लग रहा है। ओके, वेलफेयर कमेटी। सो लेट्स मूव, थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे टॉप व्यू में जाना पड़ेगा लगता है, हम ऊपर ही ऊपर चलते जा रहे हैं। टॉप मीन्स टॉप टॉप। ओके, ओ गॉश, ये कौन से राजा ने बनाया था फोर्ट? राजा था लद्दाख का किंग सिंगे नामग्याल, एक फेमस राजा था। उसका पिता था जम्यांग नामग्याल, उन्होंने स्टार्टिंग किया ये बुद्ध का यही। तो बाद में वो पूरा क्लियर नहीं हुआ, वो मतलब मर गया वो उस बीच में। तो उसके उसके बाद में उस उनका बेटा सिंगे नामग्याल था, लद्दाख का किंग, फेमस सिंगे नामग्याल किंग, सभी को जानता है। उसी ने पूरा बना के पूरा केस। ओके, तो अभी हमने मैत्री बुद्ध का स्टैचू देखा नीचे में, जो कि जहाँ वीडियोग्राफी लेना पॉसिबल नहीं था, बट ये सर जी हमें और भी दूसरी स्टैचू दिखा रहे हैं जो बाहर की तरफ है। एक्चुअली इनसाइड टेंपल कुछ भी लेना अलाउ नहीं होता यहाँ पर। तो इस जगह का नाम है बसगो पैलेस। ओके, सीधा
So this is also inside monastery, but अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा शायद, but ये आप देख सकते हैं, ये भी मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है। फीट ऑफ मैत्रेय बुद्ध, में 16 से स्टार्ट हुआ है, 1620 से कुछ से स्टार्टिंग हुआ है। अच्छा, मैंने क्या एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो हेमिस मोनेस्ट्री में आए थे और उनके जो कहे कुछ मतलब कुछ सूत्रों में उनका उल्लेख है। क्या ये बात सही है? मुझे भी सुना है, लेकिन वो भी मैंने सुना है, मैंने प्रूफ मतलब मुझे ये पता नहीं हुआ कि श्योर नहीं पता हुआ मैंने पता। तो अगर क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो हेमिस मोनेस्ट्री जाने का है, तो हेमिस मोनेस्ट्री जाने का उद्देश्य भी यही है कि क्या वाकई में ऐसे कुछ सूत्रों में ईसा मसीह के बारे में उल्लेख है कि वो यहाँ पर भारत में आए थे। अच्छा, वो हमें भी नहीं मिला है उसके बारे में, जीसस के बारे में। तो मतलब हेमिस मोनेस्ट्री से आगे है जो कि जो मोम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन सेंटर अलग ही है, पहाड़ पे 2 किलोमीटर पूरा पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ सीढ़ी से बना हुआ है वहाँ वो मोनेस्ट्री जो पहले हज़ार साल पहले था वो केव था, लेकिन वहाँ अभी तो छोटा घर बना हुआ है, पहले एक केव था, गुरु था रूपा लेनिश का एक गुरु था वो वहाँ आके मेडिटेशन किया था, मुझे समय शायद होगा। पर्सनली आपको क्या लगता है कि जीसस क्राइस्ट को लेकर जितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, फिर चाहे वो BBC न्यूज़ के द्वारा हो, चाहे किसी भी मतलब बड़े रिसर्चर के द्वारा हो, क्या वो सही है या फिर बस यूं ही बना दिया गया है? वो तो मैं नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं, मैंने मतलब कहीं मतलब ऐसा होता ना कि हिस्ट्री में जो 400-500 साल के से पहले आगे पहले की हिस्ट्री पूरा ठीक तरह से नहीं मिलते, 300-400 के बाद तो मिलता है हिस्ट्री पूरा साफ साफ, लेकिन उससे पहले का हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू यहाँ बना हुआ है टेंपल में, ये कितना पुराना हो गया यहाँ पे? ये भी 16th century का ही है, 17th century का, मतलब 16th से 17th century होता है। ओके, सही है। हम जा रहे हैं नेव विलेज की तरफ भगवान बुद्ध की 85 फीट ऊंची स्टैचू देखने। ओह वाओ,
लग रहा है जैसे हम अपनी मंजिल के करीब है। शायद यही वो मॉनेस्ट्री होगी, पूछ लेते हैं। तो हम पहुंच गए हैं बहुत ही सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति के करीब, दूर से ही देखते बनती है। और इस रास्ते की खूबसूरती देखिए, जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये मूर्ति हमें नजर आ रही है। अब क्योंकि ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहीं से आपको दिखा पाऊंगा जूम करके। सी ये जो स्टैचू है दूर से बहुत खूबसूरत दिखती है, 85 फीट की ऊंची स्टैचू है। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने और भी दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें से कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को लेकर के हैं और दूसरे फिल्म्स को लेकर के हैं। आप उन्हें सब्सक्राइब कर ले और भी दूसरे वीडियोस एंजॉय करिए।